गाइस, वेलकम बैक इन दिस चैनल आर रबी कोडिंग एंड बाबा एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल बी एस कोड इन विंडोज 11, 10 एंड 7। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि एक हम बी एस कोड को अपने विंडो में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सिंपली उस इंस्टॉल करने से पहले मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा। अभी देख रहे होंगे मैं यहाँ पे अपने गूगल ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर में हूँ। आप सिंपली क्रोम ब्राउजर का भी यूज कर सकते हैं, अदर्स ब्राउजर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करने के वाले हैं कि मैं यहाँ पे जाऊंगा ब्राउजर में और मैं यहाँ पे लिखूंगा बी एस कोड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैं बी एस कोड पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक पेज खुल के आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक वेब बी एस कोड की एक वेबसाइट खुल के आ चुकी है, जिस पर लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड फॉर एडिटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। सिंपली मैं इसी पे क्लिक करूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड फॉर विंडो। आप अगर आपका विंडो नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके अपने हिसाब से कुछ भी, जैसे लाइन एक्स है, विंडोज है, एन एम कोर है, सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करूँ। जैसे मैं डाउनलोड फॉर क्लिक करूँगा फिर से हमारे सामने एक पेज खुलेगा जो कि हमारे फाइल को एक्सेप्ट करेगा डाउनलोड करने के लिए। वो हमसे पूछेगा कि आप किस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक पेज आ चुका है, तो मैं सिंपली इसको लोकल सी में डालना चाहता हूँ। लोकल सी में मान लीजिए कोई भी फाइल लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको फिर सेव कर दिया। देखा यहाँ पे मैंने जैसे सेव किया, उसके बाद सिंपली यहाँ पे सिंपली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और यहाँ से मैं कंट्रोल जे का, मैंने यहाँ पे कंट्रोल जे किया, उसके बाद सिंपली हम डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं डाउनलोड्स पे क्लिक किया देख सकते हैं यहाँ पे पी एस कोड यूजर सेटअप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली मैं क्या करने वाला, सो इन फोल्डर्स पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जैसे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे बी एस कोड सेटअप आ चुका है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करने वाला हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक फाइल खुल जाएगी। ठीक है, उस पर सिंपली हमें यहाँ पे ओके कर देना है और उसको हम यहाँ पे सिंपली हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और मैं सिंपली फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे आई एक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें सारे टिक दे रहे हैं, उस पर सिंपली हमें सब पे क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा तो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे फाइल्स है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। और अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं होता क्या है। हमारी फाइल जो है यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद सिंपली हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल इस पे क्लिक किया और हम सिंपली इसको ओपन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन करने के बी एस कोड को तीन तरीके हैं। वो क्या है कि हम अपने माउस पे राइट क्लिक करेंगे या अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे ओपन स्टार्ट होने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बी एस कोड में फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पे एक फाइल्स बनाई हुई है जो कि मैंने यहाँ पे अभी फाइल बनाई हुई थी। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा बैक की यानी कि, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे शिफ्ट ए पे आई पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट आई पे क्लिक किया तो हमारे सामने फिर से एक पेज खुल जाएगा, या फिर हमारे सामने कोई भी यहाँ पे एच टी एम एल का टैग लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एच टी एम एल वगैरह कुछ भी यहाँ पे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस पे कहा से आप अपने पी सी या ब्राउजर में यहाँ पे पी एस कोड को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है,